आज भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के उत्तम संतुलन का उदाहरण विश्व के सामने रखा है। भारत में विश्व की 17% आबादी होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशंस में हमारी हिस्सेदारी ओनली 4% से भी कम है। एमिशंस इंटेंसिटी संबंधी टारगेट्स को हमने 11 साल पहले ही हासिल कर लिया है। नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट्स को हम निर्धारित समय से 9 साल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य 2030 तक एमिशंस इंटेंसिफाई को 45% घटाना है। हम 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य की तरफ भी बढ़ते रहेंगे। ग्लासगो में भारत ने आइलैंड स्टेट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंट इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। भारत 13 देशों में इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ा रहा है। आज मैं इस फोरम से एक और प्रो प्लैनेट, प्रो एक्टिव और पॉजिटिव इनिशिएटिव का आह्वान कर रहा हूँ। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, यह कार्बन क्रेडिट की कॉमर्शियल मानसिकता से आगे बढ़कर जन भागीदारी से कार्बन सिंक बनाने का अभियान है। पिछली शताब्दी की गलतियों को सुधारने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। मानव जाति के एक छोटे हिस्से ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया, लेकिन इसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ रही है। सिर्फ मेरा भला हो, ये सोच दुनिया को एक अंधेरे की तरफ ले जाएगी। इस धरती का भविष्य हमें देख रहा, हमें सफल होना ही होगा। हमें संकल्प लेना होगा कि हम मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथ देंगे। आज मैं इस मंच से 2028 में COP33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूँ।